सावन के दूसरे सोमवार के धूम मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को किया लॉन्च, प्रदेश सरकार के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए बीजेपी राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जोधपुर गैंगरेप को लेकर जयपुर तक आक्रोश, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र नेताओं का विरोध प्रदर्शन, बलात्कारियों को फांसी देने की मांग। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, जैसलमेर में बीजेपी ने आरोपियों को फांसी की सजा देने ज्ञापन। गंगानगर में गृह कलेश के चलते देवर ने की भाभी की हत्या, हत्या के बाद आरोपी खुद पहुंचा थाने, पुलिस ने आरोपी को राउंडअप किया। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, धौलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग। सूरतगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर बाजार पूर्णतया बंद, शहर के मुख्य बाजार समेत सभी स्थानों पर दुकानों पर लटका ताला, युवाओं ने चौक पर टायर जलाकर की नारेबाजी। भरतपुर कुलदीप हत्याकांड मामला, मुख्य आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने निकाली रैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं पुरुष हुए शामिल। सिरोही में खनन कार्य के दौरान बड़ा हादसा, पिंडवाड़ा में खान के गड्ढे में भरे पानी में डूबा व्यक्ति, हादसे में व्यक्ति की हुई मौत। जयपुर में सोमवती अमावस्या पर श्री गलता जी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान, दान पुण्य के साथ विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी। तीर्थ नगरी पुष्कर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्त सरोवर में लगाए आस्था की डुबकी लगाते आए नजर, सोमवती अमावस्या पर कार्तिक मास से भी ज्यादा भक्त पहुंचे पुष्कर। सिरोही में श्रवण महीने के दूसरे सोमवार के को शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, विशेष पूजा अर्चना कर किया गया महादेव का जलाभिषेक। सावन के दूसरे दिन और हरियाली अमावस पर सीकर के शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। चित्तौड़गढ़ की रेलवे थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 19 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा बैठक का हुआ आयोजन, प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों को बनाने के लिए निर्देश। बारा में भी दिखा सावन के दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या होने से शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़, अलसुबह से ही शहर के प्रसिद्ध मनिहारा महादेव मंदिर में दर्शनार्थियों का लगा तांता। झालावाड़ शहर के जिला जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा, परिजनों ने गायनेक का चिकित्सक और लेबर रूम स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्रीगंगानगर की रावला पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 किलो डोडा पोस्ट ढंडल समेत तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, बोलेरो गाड़ी को भी किया गया जब्त। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया गांव में तनाव, दो पक्षों में झगड़े के बाद कई लोग हुए घायल, विरोध में लुहारिया गांव बंद। बीकानेर बाईपास से जोधपुर जा रहे टैंकर में लगी आग, आग बुझाते समय दो कर्मचारी झुलसे, टैंकर से निकले केमिकल की चपेट में आए दोनों। जोधपुर में युवती के साथ गैंगरेप का मामला, आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा इंसाफ तक विरोध जारी रहेगा।
कोचिंग सिटी कोटा में नहीं थमरा सुसाइड का सिलसिला। एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। मृतक 17 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह जालौर का था निवासी। पोखरण में जलदाय विभाग की लापरवाही आई सामने। विभाग की ओर से बिछाई पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त। सैकड़ों लीटर पानी बहा रोड पर। चित्तौड़गढ़ में चलती ट्रेन में चढ़ने से युवक की मौत। घटना के कारण स्टेशन पर मची चीख पुकार। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय में रखवाकर करवाया पोस्टमार्टम। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने की स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल। मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की ली जानकारी। हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर भी लिया फीडबैक। बहरोड में भिवाड़ी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 7 साल पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर 2000 का इनाम भी रखा गया था। अजमेर में बारिश का दौर जारी। दरगाह के सामने फिर दिखा पानी का तेज बहाव। बहाव के कारण बहने लगे महिला और एक बच्चा। मौजूद लोगों ने बचाई दोनों की जान। श्रीगंगानगर के घड़साना में अखिल भारतीय किसान सभा ने एसडीएम कार्यालय के आगे दिया धरना। सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल किया गया तैनात।